हेलो गाइस, स्वागत है आपका नेहा स्वीट किचन में। मैं आपके लेके आई टेस्टी टेस्टी ब्रेड पकौड़े, जो कैंटीन में मिलते हैं और अक्सर हमारा खाने का मन करता है। हम उसकी रेसिपी आपके लेके आए हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं घर पर। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। मैंने यहाँ पर चार ब्रेड ली है, ऐसे हम चार पकौड़े बनाएंगे ब्रेड के, बिल्कुल हलवाई स्टाइल हम पकौड़ा बनाने वाले हैं घर पर ही। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर चटनी बनाकर तैयार करेंगे। हम बनाए पकौड़े के अंदर लगाने के लिए हरी चटनी, तीखी वाली चटनी हम बनाकर तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया एक नींबू, कुछ यहाँ पर लिया मैंने हरी मिर्ची, ये मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ली है, ऑप्शनल है गाइस। और यहाँ पर लिया मैंने धनिया, हमने ले लिया यहाँ पर मिक्सी का जार, हमने यहाँ पर ले लिया धनिया, मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मिर्ची को थोड़ा थोड़ा काट लिया है, लहसुन मिर्ची इसमें डाल दे रही हूँ, एक छोटी चम्मच काला नमक, आधी चम्मच सफ़ेद नमक, एक चम्मच चाट मसाला डाल देंगे इसके अंदर, एक नींबू का रस। आपके पास अगर दही हो तो, नींबू नहीं डालना चाहते तो आप दही डाल सकते हैं। चलिएगा ये देखिए, वाह आप देखिए अच्छी हमारी चटनी बनकर तैयार है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। चलिएगा दाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो आलू की स्टफिंग करने वाले हैं पकौड़े में, उसके लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक चम्मच, सब पकौड़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें इसमें डाल देती हूँ कलौंजी और तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। मैं फसल पत्ते में डालकर कूट लूँगा। मैंने यहाँ पर सेम पैन ले लिया, इसमें मैंने दो छोटी चम्मच मैंने और डाल दिया है। गर्म होते ही ना जीरा रहेगा, जब इसमें डालते हैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च बुना था वो साबुत धनिया और कलौंजी का तो चला लेंगे हम अच्छे से, ये जल सकते हैं। मैंने यहाँ पर तीन मीडियम साइज के आलू मस्त उबाल के लिए हैं। एक चम्मच नमक मिक्स कर देंगे हम अच्छे से, तब तक कर देते हैं वो मसाला बनकर हमारा रेडी है। वही कैंटीन वाला मसाला बनकर तैयार है। और कैंटीन में तो पता नहीं कब कब बासी मसाला होता है या बासी आलू होते हैं, खुद उनसे तैयार किया जाता है। आप घर पे इस तरीके से फ्रेश बनाएं और फ्रेश बनाकर तैयार करें। मैंने यहाँ पर बनाए हैं, बेसन ले लिया है एक कटोरी, हम गोल तैयार करेंगे। डाल दो नमक, थोड़ी सी सूजी डाल सकते हैं, रेसिपी बनाने के लिए मैं नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें उसका सब बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा डालकर ही बनाना, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है इसके अंदर, वरना जो हमारा गोल है पतला हो जाएगा। हल्के से इसको लम्स भी तैयार करना, हमें लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे बैटर में। अभी ये ठीक है, थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ मैं। ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, ये बस ठीक है। हम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ढक के, तो मसाला ठंडा हो रहा था तब तो इसको भी ढक के छोड़ देंगे। चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं। हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है, यहाँ पर ले लिया एक ब्रेड, ब्रेड के ऊपर मैं लगाऊंगी इस तरफ टोमेटो केचप, यहाँ पर लगाऊंगा हरी चटनी जो हमने अभी बना कर रखी थी तीखे वाली, जिस पकौड़े का स्वाद है वो इसी चटनी के साथ है। बर्कर हम ले लेंगे, इसमें मसाला बना कर रखा है वो इसका छतरी है, चारों तरफ हम फैला देंगे इसको इस तरीके से, इस अच्छे से इसको फैला देंगे। देख सकते हैं इस तरीके से हर एक कोने पर इसको फैला देना है, इस तरीके से हमने फैला दिया है इसको। ऊपर से हमें लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर तिकोने को कट कर रही हूँ उसको, आप देख रहे हैं इस तरीके से देखने में कितने डेम्पटिंग से लग रहे हैं। और रखते हैं साइड में, एक और हम इसी तरीके से बन कर तैयार करेंगे। एक और आपको तरीका बताते हूँ, पहले हम इसको बराबर इसे में काट लेंगे, फिर से मैं बना तैयार करूँगी छोटे पकौड़े।
सेम प्रोसेस। तो आप इस तरीके से एक ही बनाकर तैयार करें। मैं इसको इस तरीके से दो बनाकर तैयार करेंगे हम इसका साइड में। चलिए हम फ्राई करने के लिए चलते हैं। ऑयल हो चुका हमारा अच्छा गरम, हमारा जो बैटर है हम उसमें इस तरीके से डिप करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको डिप कर लेंगे। वाह, और इसमें आराम से हम छोड़ देंगे हमने ऑयल में बिल्कुल ही आराम से तरीके से चला के इससे हम इसको इस तरीके से पलट के सेक लेंगे। अच्छा गर्म होना चाहिए पकोड़े के लिए, वरना ये जो है तेल पी जाएंगे फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे, ज़्यादा ऑयली ऑयली। फिर इसे हम उसको पलट के सेक लेंगे। हलवाई लोग जो है इसको पहले कच्चा सेक कर तैयार करते हैं, और लोग फ्लेम पर पहले इसको सेक लेते हैं, उसके बाद जब हमको गर्मा गर्म किसी को देना होता है तो वो गर्मा गर्म इस तरह से उसको फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। लेकिन अच्छे से हमारा पकौड़े जो है सेक कर तैयार है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी है। हम इसको निकाल लेंगे, फ्लेम पर आपको पकने देना है, वरना ये बहुत सारा तेल। ये देखिए गाइस हमारे सारे जो है पकौड़े बनकर तैयार है। आप ग्रीन चटनी के साथ इसको मजा लीजिए, या आप ठीक से टमाटो केचप के साथ। हम आपको इसलिए देखिए काट के दिखा देते हैं। देखिए वाव, ये देख सकते हैं इतने अच्छे से, और खाने में भी बहुत ही यम्मी और टेस्टी है, ज़रूर इंजॉय करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और इन्जॉय करें मेरे रेसिपीज़ को। वॉचिंग।